हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज का जो ये अपडेट है यह संबंधित है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। जी हाँ, यूकेपीएससी के थ्रू 13 मार्च 2020 को एक विज्ञप्ति निकली है जिसमें जो व्यक्तिक सहायक अधिष्ठान माननीय उच्च न्यायालय की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर था, उसके जो चारों क्वेश्चंस पेपर थे उनके आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल 13 मार्च 2020 को प्रसारित कर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन चारों सीरीज के किसी भी उत्तर पर विकल्प पर कोई भी आपत्ति है तो आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन पर लिंक पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो ये आपत्ति दर्ज कराने का समय है दोस्तों, वो है 18 मार्च 2020 से लेके 24 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने यह पेपर भरा हुआ है तो आप जरूर देख लें, आपके आंसर सी आंसर की बिल्कुल जरूर मिला लें। और शाम को आज आपको 9 बजे एक और वीडियो मिलेगी जहां पर मैं उत्तराखंड में आई कुछ नई वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो आपको ऑब्जेक्शन भरना है यहाँ पे ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन, उसमें देखिए सबसे पहले तो आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है। वहां पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फील्ड करने, सिक्योरिटी की भर के लॉग इन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बुकलेट सीरीज है ए बी सी डी, उसमें बुकलेट सीरीज का आप चयन करेंगे। उस बुकलेट सीरीज का चयन करने के बाद आप देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका अपना विकल्प भरें, जो आपको ऑब्जेक्शन का डिस्क्रिप्शन है किस बुक के आधार पर आप कह रहे हैं, किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है जो आप गलत बता रहे हैं, तो वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। उसकी आपको एक फोटो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी, यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करा सकता है तो आप दूसरे तरीके किसी और क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चनों में कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹50 का शुल्क जमा करना होगा। और अगर यदि आप शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आपका ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर यदि आपने जो व्यक्तिगत सहायक का पेपर दिया है तो आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं, उसकी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इसी आशा में कि आपने यह पेपर दिया होगा और अपने आंसर शीट मिलाएंगे और इस पेपर में आप सफल जरूर होंगे, इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।